brought to you by Techno Camon 30 series. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, जहां इंडियन क्रिकेट में एक तरफ हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि रोहित विराट के बाद कौन, रविंद्र जडेजा का भी किरदार किसी को निभाना होगा, उसके लिए फिर भी आपको अक्षर पटेल तैयार नजर आते हैं, तो यही सवाल जो है वर्ल्ड क्रिकेट में अलग अलग टीम्स भी देख रहे हैं। जहां पर ट्रांजिशन की बात करें तो वहीं पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में आप सभी को पता है कि डेविड वार्नर वो रिटायर हो चुके हैं, टी20 वर्ल्ड कप उनका आखिरी था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में मैं अवेलेबल रहूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो ऑस्ट्रेलिया मेरी तरफ देख सकता है। लेकिन आज क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की नई टीम आई है और नई टीम में वहां पर वनडे की भी टीम आई है, टी20 की भी टीम आई है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन वहां पर जो मेन खबर निकल कर आई, जॉर्ज बेली जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने बोल दिया कि यार हमारी नजर में वार्नर रिटायर हो चुके हैं, फुल स्टॉप। पर वहीं पर बड़ा फैसला शायद कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा हिंट एक दिया है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर और मिचेल स्टार्क को लेकर। तो क्या हम बात करें यार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के तीनों ही, अगर आप देखें मिचेल स्टार्क तो आप आईसीसी इवेंट्स हमने देखा है कि विद द बॉल कितनी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी है, पर्टिकुलरली अगर आप वनडे वर्ल्ड कप देखें। डेविड वार्नर एक उनके लेजेंड रहे ऑल फॉर्मेट्स। मैक्सवेल ठीक है, लोग मैक्सवेल के लिए भी पूछ रहे हैं कि मैक्सवेल ने बड़े टूर्नामेंट्स में क्या किया, लेकिन एज अ यूटिलिटी प्लेयर बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन अब यह कि क्या वार्नर के बाद आपको अगला जो टी20 वर्ल्ड कप आएगा उस विजन में, उस रोड मैप में, क्या ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों को भी उस तरीके से कंसीडर नहीं किया है? क्योंकि जो आज टी20 टीम आई है, जो यूके का टूर है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर ये दोनों नाम नहीं है। हालांकि नाम जो नए हैं वो आप देख लीजिए, एक बार टी20 स्क्वाड सामने है आपके, ओडीआई स्क्वाड भी आप देख रहे होंगे, पैट कमिंस वहां मौजूद नहीं है तो कप्तानी मिच मार्श करेंगे। पैट कमिंस को थोड़ा सा भी आराम दिया गया है और वहां पर भी उन्होंने बताया है क्योंकि हमारा फोकस जो है भारत की जो सीरीज होने वाली, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो होने वाली है साल के अंत में, इसलिए हम पैट कमिंस को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। और पैट कमिंस अभी क्योंकि वो मेजर लीग क्रिकेट भी खेल रहे होंगे, जो MLC चल रही है यूएसए में, तो वहां पर थोड़ा सा वर्कलोड उनका देखा जाएगा। अगर आप टी20 स्क्वाड इनका देखें तो नई एंट्री जो है कूपर कॉनली, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और पर्स कॉचर्स के एक लेट मिडिल ऑर्डर और फिनिशर के तौर पर आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड जो है बैटर हैं और बॉल भी डाल देते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन, और बड़ी क्रंच सिचुएशन में युवा है, भी 20 साल के हैं, वहां पर भी एक तगड़ी तगड़ी फिनिशिंग जो है पारियां इन्होंने खेली हैं। और शायद ये हो सकता है कि थोड़ा सा कैमरन ग्रीन को भी यहां पर एक ऑप्शन जो है कि जो ऑलराउंडर्स के कैमरन ग्रीन हो गए, आपके पास कूपर कॉनली हो गए और एरन हार्डी की भी एडिशन हुई, तो इन तीन ऑलराउंडर्स को आप लेकर चल रहे हैं फ्यूचर के लिए क्योंकि तीनों युवा हैं। बट शायद थोड़ा सा सवाल रहेगा टिम डेविड, उनका वर्ल्ड कप भी उतना उस तरीके से नहीं गया। ये कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं कि नई टीम है, जहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली आपको पता था कि भाई डेविड वार्नर तो नहीं होंगे, लेकिन आपने वहां मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क को भी जगह नहीं दी। तो इस पर कहा क्या था, एक बार आपको उन पर लेकर चलते हैं कि जॉर्ज बेली ने कहा क्या, एक एक कर दिखाते हैं। सबसे पहले डेविड वार्नर पर साफ कर दिया कि दरवाजे अब वार्नर के लिए बंद हैं, वो जितना भी चाह लें सोच लें, सोशल मीडिया पर लिख लें। उन्होंने बोला है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो रिटायर हो चुके हैं, उनका करियर बड़ा जबरदस्त रहा है, उसकी पूरी इज्जत है जितना उन्होंने किया है, और हमारी प्लानिंग में वो नहीं होंगे। जहां तक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, उन्होंने कहा कि ग्लेन एंड मिच, यानी कि ग्लेन मैक्सवेल एंड मिचेल स्टार्क, उनके लिए क्या है वनडे की चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल ऑन द होराइजन है, उस पर बिल्कुल वो वहां पर रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम पूरी की पूरी चीजें उनके लिए देख रहे होंगे यहां पर उन्होंने कहा। लेकिन जो अगला एक हिस्सा है जहां पर उनसे फिर पूछा गया कि भाई इनका फ्यूचर क्या है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो स्लाइड है जहां पर उन्होंने इन डिटेल थोड़ी सी बात करी है कि किस तरीके से रहेगा मैक्सवेल का रोल या फिर मिचेल स्टार्क। उन्होंने कहा कि अगला जो टी20 वर्ल्ड कप है 2026 में है, तो उन्होंने कहा कि कुछ चेंजेस जरूर होंगे जहां पर अभी हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि पूरी स्क्वाड बदलने की जरूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है पहले अनबीटन थी, फिर वो अफगानिस्तान से हारी, इंडिया से हारी और बाहर हो गई थी सुपर एट से। बट उन्होंने कहा स्पेसिफिकली जब बात करी स्टार्क और मैक्सवेल की, उन्होंने कहा कि अभी कोई कॉन्वर्जेशंस नहीं हुई है कि उनकी टी20 जर्नी कहां पर फिनिश होगी। अगर इन दोनों खिलाड़ियों की बात करें, अगर आप थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट सिस्टम समझें देखें, अभी मिचेल स्टार्क जो हैं, जब आपको टी20 वर्ल्ड कप आएगा 2026 में, तब उनकी उम्र होगी 36 साल। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो शुरुआत में है, साल के शुरुआत में आपका टी20 वर्ल्ड कप है, और जब साल खत्म हो रहा होगा तो मिचेल स्टार्क एशेज खेलकर आ रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में, जो एशेज होनी है जो इंग्लैंड को उन्होंने होस्ट करना है, तो वो 5 टेस्ट मैचेस की रहती है। आप एक्सपेक्ट करते हो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क जो है सब में फीचर कर रहे हो, तो थोड़ा सा वर्कलोड भी देखना पड़ेगा और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया फिर कॉल लेता है, क्योंकि उनके पास भी प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं। नेथन एलिस के रूप में हमने देखा कि एक इतना बढ़िया बॉलर टी20 का उनके पास बेंच में ही रह जाता है, क्योंकि पैट कमिंस ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखा दी है टी20 क्रिकेट में और विद द बैट भी उतने कारगर हैं। जॉश हेजलवुड टाइम एंड अगेन
पर जब भी डाउट पे उन्होंने T20 में वाइड बॉल में अपनी गेंदबाजी बहुत इंप्रूव करी है। मिचेल स्टार्क का थोड़ा सा हमने देखा है कि T20 वर्ल्ड कप में उतना परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो ये शायद एक सवाल रहेगा कि एज भी 36 साल हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है कि आप एशेज खेल कर आ रहे होंगे, मैक्सवेल उनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, बट मैक्सवेल की उम्र तब हो जाएगी 37 साल की तकरीबन, जो आप देखेंगे 37 पार करके वो 38 के अप्रोच कर रहे होंगे, तो ऐसे में फॉर्म भी देखना होगा। और जो हम देख रहे हैं कॉम्पिटिशन, जो आपने अभी देखे अपनी स्क्रीन पर कि जो उनके युवा खिलाड़ी आ रहे हैं जहां पर जो टैलेंट लॉट है और जो ऑलराउंडर्स हैं, जैसे मैथ्यू शॉट, अभी अगर आप देखेंगे जेक फ्रेजर मैगर अगर ऊपर ओपन करते हैं तो मैथ्यू शॉट को आपको नंबर 3-4 कहीं देखना होगा। फिर मिच मार्श जो कप्तान है वो भी वहां पर मौजूद हैं, कैमरन ग्रीन अभी बेंच पर थे, हमने देखा कूपर कॉनली को ये लेकर चल रहे हैं कि उनको देखना होगा क्या शो करते हैं। फिर आपके पास टिम डेविड, उन पर भी शायद एक कॉल ली जा सकती है, और शायद इसीलिए कूपर कॉनली की भी एडिशन है, और फिर एरन हार्ड, ये तमाम ऑलराउंडर्स। तो कॉम्पिटिशन टफ है, देखना होगा। लेकिन आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि T20 में ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर क्या होगी जब 2026 में भारत आएंगे, क्या मैक्सवेल और स्टार्क को आप देखते हैं वहां पर? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जरूर इस साल होने वाला IPL होगा, उस IPL में अगर ये दोनों खिलाड़ी फीचर कर रहे होंगे, क्योंकि स्टार्क ने देखा है हमने कभी कभी उन्होंने ऑप्ट आउट किया IPL से, उन्होंने जब पिछली बार एंट्री डाली भी थी तो उन्होंने कहा था T20 वर्ल्ड कप की वजह से मैंने एंट्री ली है, अदरवाइज शायद मैं नहीं खेलता। बट मैक्सवेल लगातार खेलते हैं और शायद अगर वो परफॉर्म कर जाए वैसा तो वो फिर अपनी जगह बरकरार रखेंगे। स्टार्क का एशेज को देखते हुए और जो बयान भी हुआ है उनका जॉर्ज बेली का, उसको देखते हुए थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।